हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द शिक्षादान लाइफ साइंस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइफ साइंस के बारे में और एनसीईआरटी बायोलॉजी के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे इस पहले लेक्चर से जिसका नाम है द सेल इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल में क्या क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं और सेल किस तरह से काम करती है, सेल बनी किस चीज़ से होती है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल के बारे में पढ़ने से हमको दो तीन चीज़ें जानना ज़रूरी होती है कि सेल ये बनी किस चीज़ से होती है। अब देखिए, अगर कोई भी एवरीथिंग इन द बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स एटम्स क्या होते हैं? ये टाइनीस्ट सब्सटेंस होते हैं। टाइनीस्ट सब्सटेंस मतलब टाइनीस्ट ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर का, जिससे बनता है अपना मैटर। एटम्स का एग्जांपल देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। आसान भाषा में एटम्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब अभी अब हमको इस चीज़ से कोई मैटर बनाना है, जैसे हमको बहुत सारे एटम्स से एक मैटर बनाना है। एग्जांपल इसका लेते हैं अपन वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक मैटर है। किस चीज़ से बना हुआ है? ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके पूरा एक मैटर बना है, जिसको हमने कहा था मॉलिक्यूल। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों से बनता है अपना सेल। बहुत सारे एटम्स ऐसे कंबाइन होके अपना बनेगा सेल। सेल में क्या होगा? अपना कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन, ऐसे मेनी एटम्स होंगे। ऐसे मेन ही एटम से बन के अपना बनेगा सेल, मतलब एटम से बनता है सेल, ठीक है। तो अब सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सेल क्या है? अपना सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो सब सेल में है, जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। मतलब अगर कोई सेल रहा तो वो एक दूसरा फंक्शन करेगा, एक सेल कोई दूसरा फंक्शन करेगा, ऐसे बहुत सारे सेल मिलके हमारे बॉडी में करते हैं फंक्शन, जिससे हमारा बनता है एक सिस्टम, एक बॉडी सिस्टम पूरा डेवलप होता है। अब बहुत सारे सेल एक तरह के सेल अगर साथ में मिलते हैं तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं टिश्यू। ये अब हम आ गए टिश्यू लेवल पे। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक सेल्स होते हैं, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स होते हैं। मतलब सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। अगर बहुत सारे सेल्स ऐसे एक एक ही तरह के फंक्शन करने वाले सेल का अगर हम ग्रुप बना दिए जाए तो उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू माने, टिश्यू के एग्जांपल देखते हैं बहुत आसानी से। टिश्यू के एग्जांपल कौन से? हमारे स्किन के टिश्यू हो गए, स्किन का टिश्यू हो गया, और फैट टिश्यू हो गया, कोई हार्ट का टिश्यू हो गया, ये टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या करते हैं? बहुत सारे टिश्यू, अगर मेनी टिश्यू एक जगह पे आए और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू अगर एक जगह पे आए, डिफरेंट काइंड के टिश्यू अगर एक जगह पे आए तो क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। एक ऑर्गन से क्या बनता है? पूरा एक बॉडी का सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन अगर एक जगह पे आ गए तो वो क्या बनाएंगे? बॉडी सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, और स्टमक के साथ साथ और भी ऐसे ऑर्गन होंगे
जिससे एक बॉडी का सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसका एग्जांपल देखा है हमने। ऐसे बहुत सारे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन होंगे, इससे क्या बनता है अपना बॉडी का सिस्टम। और बहुत सारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम मिलके एक क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। इन्होंने पूरा हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनाया। इस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा था, ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन से बना हुआ है। मतलब यहाँ पे जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, अपना ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गेनिज्म बन गया, जिसको हमने एक कहा था, ऑर्गेनिज्म क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन अपना बन गया यहाँ पे, कंप्लीट ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ह्यूमन बन गया। अब देखते हैं पहले सेल की डेफिनेशन के पास आते हैं अपन। सेल सेल को हमने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब पता चला स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों कहा गया। अब देखते हैं सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में, पूरा अंदर तक जाएंगे कि सेल क्या फंक्शन करता है, सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल होते हैं, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ देखेंगे सेल के बारे में। सेल सेल ये वर्ड कौन सा है, ये एक लैटिन वर्ड है, सॉरी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है, एक सेल एक छोटी सी रूम होती है, जिसको हमने कहा था ये क्या है अपना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत सारे सेल मिलके लाइफ बनाती है, आगे भी देखेंगे। सिर्फ एक सेल का भी एक लाइफ होती है, मतलब जैसे अपना यूनिसेल्यूलर। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द शेप। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई अपने पास सेल है। ठीक है, इस सेल में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल से मिलके हमने देखा था ऑर्गेनिज्म बनता है, और सेल के अंदर के इस हिस्से को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब अपन क्या करेंगे, सेल को पूरा खोल के देखेंगे, मतलब सेल के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन, इसी साइटोप्लाज्म में हमारे पूरे सेल के ऑर्गेनेल रहेंगे, मतलब सेल के जो भी कुछ फंक्शन करेगा सेल, वो सब इस साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा। मतलब जैसे हमारा ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इसमें हो गया अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए और आरएनए, और बाकी भी पूरे ऑर्गेनेल जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर रहेगा। मतलब साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक रूम प्रोवाइड करता है सेल को कि रखो भाई हमारे अंदर ऑर्गेनेल रखो। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कौन से बायोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं हम कि ऑर्गेनिज्म्स किस प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिज्म को जनरली दो प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि माने सिंगल, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, मल्टी माने मल्टी, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल बहुत इजी वाला एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और मल्टीसेल्यूलर का एग्जाम्पल, मल्टीसेल्यूलर के एग्जाम्पल कौन से हैं, प्लांट्स, एनिमल्स,
बहुत सारे सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिजम्स, और नंबर ऑफ सेल्स जो रहते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स के, ये वेरी रहते हैं स्पेसीज टू स्पेसीज। मतलब एक स्पेसीज में अगर 10-12 मिलियन सेल्स हो गए, तो कोई स्पीसीज में ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल हो गए। जैसे कि ह्यूमन में 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं इन ह्यूमंस। 40 ट्रिलियन माने 4 इज टू 10 रेस टू पावर 3, इतने सेल्स होते हैं ह्यूमन में। 10 रेस्ट पावर 13, मतलब 4 के बाद 13 जीरो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, इतने सारे सेल्स एक ह्यूमन के बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। अब सेल के अंदर घुसने से पहले सेल के टाइप देख लेते हैं हम लोग, क्या है सेल। सेल्स टाइप, सेल को बांटा जाता है दो तरीकों में, जिसमें हम एक है यूकैरियोटिक एंड दूसरा है प्रोकैरियोटिक। इसमें हम डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक माने या प्रोकैरियोटिक माने। यूकैरियोटिक मतलब यू एंड कैरियोट, यहाँ पे दो वर्ड है। इसका मतलब होता है हैविंग न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं यहाँ पे, मतलब प्रो मतलब अपसेंट होता है, मतलब बिफोर न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे अपसेंट, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये हर बार सिंगल रहेंगे, ठीक है। और इसमें अभी डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हमने देखा था, या इसमें क्या होता है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक का एग्जांपल हमने देखा था, इसमें होता है प्लांट, एनिमल्स, फंगाई और अल्गी और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का हम डिफरेंस देखने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, मतलब जब लाइफ बनी थी, मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था, तब सबसे पहले कौन सा सेल प्रेजेंट था, बैक्टीरिया का सेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। यूकैरियोटिक कौन सा है, लेटर फॉर्म ऑफ लाइफ। और प्रोकैरियोटिक सेल होता है सिंपल एंड स्मॉल स्ट्रक्चर, और इसके अपोजिट यूकैरियोटिक का सेल होता है कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, इसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, मतलब डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। और यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। यहाँ का जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर, यहाँ का होता है कॉइल्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है प्रोकैरियोटिक की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल
प्रेजेंट नहीं रहती है, सेल वॉल अब्सेंट रहती है, मतलब किसी किसी केस में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है। और उसके बाद में सबसे इन सब में से मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर साइटो स्केलेटन, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है। और यहाँ पे साइटो स्केलेटन प्रेजेंट रहता है। ये हुए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस। अब हम शुरू करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल में या इसमें कौन से सेल ऑर्गेनेल है। इसके पहले हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या है। कॉमन पॉइंट्स में आता है कि सेल की मेम्ब्रेन के बारे में। सेल की मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेबल। यहाँ से मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल के ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो कि होती है बायलेयर, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। ये हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, वो किस तरह से बनी होती है। ठीक है, तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल माने कोई कोई ही मॉलिक्यूल अंदर आया जा सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्टर रिक्वायर होते हैं, किसी मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्टर रिक्वायर नहीं भी होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट कर सकती है, रेगुलेट मॉलिक्यूल मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रेगुलेट करने में। मतलब जैसे ही कोई आयन अंदर आएगा तो फटाक से दूसरा आयन बाहर चला जाएगा, जिससे कि इस सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेगुलेट हो जाएगा। मतलब बैलेंस रहता है बाहर के एनवायरनमेंट में और सेल के साइटोप्लाज्म में। और दूसरा इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट है, ये हो गया अपना फर्स्ट कॉम इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट। सेकंड इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट है ऑल सेल्स हैव ऑल सेल्स हैव डीएनए, डीऑक्सीराइबोज यूनिट डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से एक रह सकता है। आरएनए किस आरएनए वायरसेस के केस में प्रेजेंट हो सकता है। ऑल सेल्स हैव डीएनए, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने सभी सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी के अंदर डीएनए यानी न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, तो डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा आरबीसी के अंदर। ये एक्सेप्शन केस हमने देखी। ये रही अपनी सेल, यहाँ पे हमने देखा था जेनेटिक मटेरियल कौन सा प्रेजेंट रहेगा, अपना आरएनए या डीएनए। यूकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस के अंदर, प्रोकैरियोटिक के सेल में बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए जिसका लॉन्ग फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए माने राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही ध्यान रख लो कि जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए होता है लॉन्ग टर्म जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये इसकी डिजर्व कॉपी रहती है, इसको हम छेड़छाड़ ज़्यादा छेड़छाड़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। और आरएनए होता है एक इन्फॉर्मेटिव, इसमें इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, इन्फॉर्मेशन इसमें भी प्रेजेंट रहती है पर इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। आरएनए से हमारे बहुत सारे एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं। आरएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं, आरएनए से हम एंजाइम बना सकते हैं और बहुत सारे फंक्शन के लिए आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि
जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। और जब हमने देखे थे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और उसमें अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल कैसा रहता है। पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल के बारे में। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल रहता है सिंपल सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसमें सिंपल सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, जिस रीजन को कहते हैं हम न्यूक्लियो जिस रीजन को हम करते हैं कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ये अगर प्रोकैरियोटिक की सेल्स है, यहाँ पे ऐसा सिंपल सा सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहता है, सिंपल और सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहता है। और यूकैरियोटिक का रहता है कॉम्प्लेक्स और कॉइल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर अंदर प्रेजेंट रहता है। और यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल में एक दूसरा भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के भी अंदर का ऑर्गेनेल होता है जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सब डीएनए मॉलिक्यूल यूकैरियोटिक में ग्रुप किए जाते हैं। यूकैरियोटिक में इसको ग्रुप इस तरीके से किया जाता है कि मतलब सेम कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम एक ही जगह पे, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होता है 46 लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। मतलब डीएनए को अगर हम कंडेंस किया जाए, मतलब डीएनए को अगर हम एक साथ एक जगह पे रखा जाए, तो ऐसे 46 अलग अलग तरीके के डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास मिलते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं। 46 अब कैसे रहेंगे, 22 रहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम 46 ऐसे ग्रुप किए हो जाते हैं। मतलब यहाँ के 22 होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर कितने हुए, 44। यहाँ भी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, पेयर माने 2, 44 प्लस 2 कितने हुए अपने पास, 46 क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम ये ऑर्गेनेल का सेक्स ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिसाइड करने के लिए डिजाइन होते हैं। मतलब ह्यूमन में होता है XY और XX, जिससे XX से बनता है फीमेल का कैरेक्टर आता है, और XY क्रोमोसोम की वजह से मेल का कैरेक्टर आता है, ठीक है। और हमने देखा था कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अब ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी बैक्टीरियल जीनोम की तरह सर्कुलर होता है और स्मॉल होता है, जो कि कोड करता है 13 तरह के प्रोटीन्स को, कोड्स 13 टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरीके के 13 प्रोटीन्स को कोड करता है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। अब ये एनर्जी प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, तो आगे वाले जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। होते हैं ऑर्गेनेल, सेल सेल में कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे वैक्यूल हो गया, जैसे लाइसोजोम हो गया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे अपना गॉल्गी हो गया, जैसे साइटोस्केलेटन हो गया,
जैसे न्यूक्लियस हो गया, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से, हम आपको सब पूरा बायोलॉजी डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा।